मिक्का सिंह असी स्कोर की आवाज में था ये आज के जमाने का गाना। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर यू टर्न विद आरजे पिंकी। और इस वक्त मेरे साथ आ चुके हैं मऊ के रहने वाले अनवर जमाल, जिनके एक ट्वीट ने ट्रेन को टाइम पे चला दिया। यार मेरा नाम अनवर जमाल है, मैं प्रॉपर मऊ शहर का रहने वाला हूँ और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं पिंकी के साथ। अनवर, कौन सा एग्जाम था तुम्हारी दीदी का? यस, डीएलएड का था। अच्छा, कल था? बीटीसी वाला। यस, कल भी और आज भी था। एक एक पेपर 12 से 1 था, एक घंटे का पेपर था, तो ट्रेन थी 6:30 में मऊ से। अच्छा, मुझे पूरा किस्सा बताओ, मतलब ट्रेन कितना घंटे लेट थी, फिर तुमने क्या किया और कैसे ट्रेन टाइम पे पहुंची? मऊ में टाइम थी इसकी 6:30 बजे और वाराणसी सिटी पहुंचने का टाइम था उसका 9 बजे। हम स्टेशन पे वेट कर रहे थे ट्रेन का, 2.5 घंटे से ज्यादा ट्रेन लेट हो गई थी। अगर हम गाड़ी भी करते, फोर व्हीलर बुक करके भी जाते, तब भी 3.5 घंटे लग जाता, मतलब परीक्षा पाने का कोई चांस नहीं था। तो हमने फिर 8 बजे करीब रेलवे वालों को ट्वीट किया और उनसे हेल्प मांगी। उन्होंने तुरंत 5-10 मिनट के अंदर कांटेक्ट किया, यकीन दिलाया कि आप मुतमईन रहें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी परीक्षा नहीं छूटेगी आपकी बहन की। और वही हुआ कि 9:18 पर ट्रेन मऊ में आई और 11 बजे ठीक वाराणसी सिटी पहुंच गई। इससे 11:15 तक हम सेंटर पे पहुंच गए, 12 बजे से परीक्षा होनी थी। अरे बाप रे, एकदम टाइम से पहुंच गए आप? एकदम आराम से। क्या बात है भाई, मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ट्रेन ने मतलब टाइम पे पहुंचा दिया। फिलहाल अनवर से और भी बातें करेंगे थोड़ी सी देर में। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। तेरी आंखों का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, तेरे ट्वीट से दिखने लगी है उम्मीद मुझे। It's 93.5 Red FM पर U-turn with RJ Pinky। शायद मेरे ट्वीट पे भी रिप्लाई कर देंगे इंडियन रेलवेज वाले। सुपर हिट्स 93.5 Red FM पे U-turn चल रहा है पिंकी के साथ बनारस, और मेरी बातचीत चल रही है मऊ के रहने वाले अनवर जमाल के साथ। इनकी बहन का एग्जाम था जिनको मऊ से बनारस आना था, लेकिन ट्रेन जो थी वो 2.5 घंटे देरी से चल रही थी। उसके बाद अनवर ने ट्वीट किया, उसके बाद ट्रेन इतनी स्पीड से भागी है भाई साहब, मतलब एकदम टाइम पे पहुंचा दिया इनकी दीदी को ट्रेन ने बनारस में। सो अनवर, मुझे ये बताओ, ट्वीट करते वक्त तुम्हें कोई उम्मीद थी कि कोई हेल्प मिलेगी इंडियन रेलवेज की तरफ से? मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अगर हम गाड़ी भी करते कोई भी फोर व्हीलर तो पहुंच नहीं पाते, क्योंकि 3-3.5 घंटा लगता है जाने में। कोई चांस नहीं था, तो मैं कह रेलवे वालों को हो सकता है सहायता कर ही दें। खैर, और फिर रेलवे वालों ने सहायता कर दी। वैसे ट्वीट करने के कितने मिनट बाद एक्शन लिया रेलवे ने? 5-10 मिनट के अंदर, मतलब मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर मांगा गया, मैंने नंबर दिया अपने सिस्टर का, और उसके बाद कॉल आई। उसके बाद मैंने फिर 5 मिनट बाद, जब भी मैं कॉल करता तो कॉल रिसीव करते और मतलब बताते कि नहीं, इंटरसिटी ट्रेन पहले जाएगी और अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यकीन दिलाते हैं मतलब। क्या बात है, कितना कमाल का काम कर दिया है भाई इंडियन रेलवेज ने, मतलब पहली बार कोई ट्रेन एकदम टाइम पे पहुंचा दी है। फिलहाल अनवर से और भी बातें करेंगे थोड़ी सी देर में। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनकी हीलें टूट गईं, लेकिन अनवर और उनकी बहन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं टूटी। It's 93.5 Red FM पर U-turn with RJ Pinky। इनकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरी उतरी हमारी इंडियन रेलवेज। सुपर हिट्स 93.5 Red FM पे U-turn चल रहा है पिंकी के साथ बनारस, और मेरी बातचीत चल रही है मऊ के रहने वाले अनवर जमाल के साथ। इनकी दीदी का बनारस में एक एग्जाम था और ट्रेन 2.5 घंटे लेट चल रही थी, फिर लड़के ने ट्वीट किया और इंडियन रेलवेज ने मतलब एकदम टाइम पे इनकी दीदी को बनारस पहुंचा दिया। तो अनवर, थैंक यू बोलना चाहोगे रेलवेज को? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रेलवे वालों का सहायता के लिए। अच्छा, हेल्प मिलने के बाद अब लक कैसा रहा है तुमको, सही सी बताओ यार। बिल्कुल, बहुत गर्व हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात तो है, मतलब ये मानना पड़ेगा कि ट्विटर पे काफी एक्टिव रहता है इंडियन रेलवेज और लोगों की हेल्प होती है ना। हमने तो किया तो हमारी तो हेल्प हुई, तो जाहिर सी बात है हम यही कहेंगे हमें गर्व है। यार मैंने भी ट्वीट किया था रेलवे को कि ये जो सेकंड एसी थर्ड एसी में ये लोग कंबल चादर नहीं देते हैं, तो कम से कम टिकट का कुछ किराया कम कर दें, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं मिला यार मुझे। अच्छा, ये होता है। नहीं यार, मतलब तुमने कौन सी सेटिंग भिड़ाई कि तुमको तुरंत रिप्लाई मिल गया, यार मुझे अभी तक नहीं मिला। सेटिंग का क्या, मैंने बस अपने सिस्टर का लिया एडमिट कार्ड और उसका फोटो भी लगा दिया साथ में ताकि। अच्छा, तो मुझे बस यही बता दो कि मैं क्या करूं जिससे ये थोड़ा सा किराया कम कर दें यार सेकंड एसी थर्ड एसी का।
हम क्या कर सकते हैं। नहीं मुझे लग रहा है तुम्हारा कुछ जुगाड़ है यार, तो कुछ मेरा भी जुगाड़ बैठा दो यार। नहीं ऐसा, मैं आम आदमी हूँ, जुगाड़ क्या कर सकता हूँ यार। मॉडेस्टी देख रहे हैं आप लड़के की, मतलब मैं तो बस आम आदमी हूँ भाई साहब। इस आम आदमी ने ट्रेन को टाइम पे चलवा दिया। वैसे मैं भी पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ कि ये जब तक रेलवे वाले सेकंड एसी थर्ड एसी में कंबल चादर नहीं देते, कुछ किराया ही कम कर दें। अरे सुन लो यार, कोई हमारी भी सुन लो, हेलो बजाते रहो, अच्छा चलो।